हेलो दोस्तों, क्या हाल है? और फिर मौसम में ठंडक सी बनी हुई है, फॉग निकली है। अगर किसी को पता है ऐसा क्यों होता है तो प्लीज़ बताना। पिछले 2-3 दिन से ना सुबह 4:30-5 बजे के आसपास पसीने आने शुरू हो जाते हैं। और मौसम तो ऐसा ठंडा है, फिर भी पसीने आते हैं, तो इसका नेट पे तो बहुत ही ख़तरनाक रिज़ल्ट है। तो अगर किसी को पता है भी क्या होता है तो प्लीज़ बताना। बात करते हैं प्रोग्रेस की। वैसे ही है, नॉर्मल सी है, कोई ऐसे वाव नहीं है, कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। एक्सरसाइज करता था तो थोड़ा हार्ट वाली साइड दर्द होने लग जाता था। 2 दिन से हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, मगर एक्सरसाइज तो मैंने कोई नहीं की, कोई भी नहीं, इवन पुशअप भी नहीं, रनिंग भी नहीं कर रहा है। तो मैं 3 दिन हो गए सिर्फ वॉक कर रहा हूँ, 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, वो भी नॉर्मल। रास्ता कितना खूबसूरत है, ये भी हूँ। अर्ली मॉर्निंग 7:15 का टाइम है, नहीं तो 8 बजे जाता हूँ, तब तक तो कुछ नहीं होता। म्यूजिक कितना अच्छा लगता है, चहचहाती चिड़ियों का। एक तो सर भारी भारी सा रहता है, पता नहीं कब निजात मिलेगी जिंदगी की इस कश्मकश से। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पता नहीं भगवान भी कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। अब 10 साल हो गए परीक्षा देते हुए, अब तो रिजल्ट का टाइम था, पास कर देना चाहिए था भगवान को। अगर हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती थी ना छोटे, जब थे हम 4th, 5th, 6th तक का, तो इस पेड़ पे ना एक फूल उगते हैं छोटे छोटे से, तो इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इसको तोड़ कर लेके जाते थे जब फेयरवेल का एंड होता था, तब सबके ऊपर ऐसे बरखा करते थे। अब नीचे की तरफ है नहीं फूल, नहीं तो दिखा देता, ऊपर ऊपर की तरफ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डे काउंट करना मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं रहता आज कौन सा दिन है। बस रूटीन बनी हुई है पिछले 1.5 महीने से, डेली आ रहा हूँ। व्लॉगिंग तो उसको बाद मैंने शुरू की है, जब मुझे लगा मुझे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जो दोस्तों से बातें हुई थी मेरी वो फ़ौरन है एक तो, और एक बेचारा
अपनी लाइफ में बिजी है तो ज़्यादा बात नहीं होती। अब ऐसा कोई कंधा भी नहीं है जिसके सर हो, जिसके कंधे पे सर रख के रोया जा सके। माँ को बता नहीं सकता क्योंकि वो बेचारे वैसे ही टेंशन लेके बैठे हैं मेरी भी, जब से मैं वीक हुआ हूँ। 5 किलो वेट कम हो गया 1.5 महीने में। पता तो है अभी किसी चीज़ की टेंशन है मुझे, मगर मैंने उन्हें बताया नहीं हुआ क्योंकि अगर वो ज़्यादा टेंशन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब मैं तो चलो थोड़ा यंग हूँ, टॉलरेट कर सकता हूँ ये बीपी बूपी की प्रॉब्लम, तो वो 47 के हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। खैर देखो कहाँ तक ज़िंदगी चलाती है। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ, या तो मुझे कुछ बना दे या मुझे उठा ले। देखते हैं किस तरफ लेके जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पिछली वीडियो में जो बातें कही हैं मैंने, वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ। और आप लोग अगर थोड़े यंग एज में हैं तो उस पे ध्यान दीजिएगा। जो मेरे जैसे आपकी लाइफ में बंदे हैं, जो आप चाहते भी हमारे अपने हैं, उन्हें थोड़ा समझाया बुझाया जाए तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ। क्या पता वो टाइम से अपने ज़रूरी कदम उठा लें, क्योंकि नहीं तो मेरे जैसे फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा। अब तो खेत भी चिड़िया चुग गई है ना कहावत एक, बाद में क्यों पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुड बाय।